वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे आज का चैप्टर है एग्रीकल्चर बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का एग्रीकल्चर बैकबोन क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द वर्ड एग्रीकल्चर इज ड्राइव फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स। जो एग्रीकल्चर शब्द है ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एगर एंड कल्चर। एगर जिसका मतलब भूमि से होता है और कल्चर जिसका मतलब कल्टिवेशन। भूमि पर खेती करना एग्रीकल्चर को दर्शाता है। एग्रीकल्चर यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्रीकल्चर एक प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच रेफर टू कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप, जो अलग अलग तरह की फसलों के बारे में बताती है। साथ ही साथ ये बताती है हमें क्रॉप्स के साथ साथ रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। ये फिशिंग के बारे में बताती है, फॉरेस्ट्री के बारे में बताती है और एनिमल्स की रेयरिंग के बारे में बताती है। इट वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ मैन। ये लोगों द्वारा सबसे पहले सीखा गया ऑक्यूपेशन है या सबसे पहला रोजगार है। आइए जानते हैं टाइप ऑफ एक्टिविटीज के अंतर्गत ये कितने प्रकार की होती है। टाइप ऑफ एक्टिविटीज के अंतर्गत हमने इन्हें तीन हिस्सों में रखा है, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शियरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी इन्वॉल्व द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम लैंड, सोयल, फॉरेस्ट, ग्रास लैंड एक्सेट्रा की। प्राइमरी टाइप ऑफ एक्टिविटी कुल मिलाकर एक प्रोडक्शन को दिखाती है जो हमें भूमि से मिल रहा है या मिट्टी से मिल रहा है या फिर फॉरेस्ट से मिल रहा है या फिर ग्रास लैंड से मिल रहा है। इसके अलावा फार्मिंग, फिशिंग, रेयरिंग ऑफ एनिमल एंड माइनिंग आर सम ऑफ द अदर एग्जाम्पल। इसके अलावा फार्मिंग, फिशिंग, रेयरिंग ऑफ एनिमल इसके दूसरे एग्जाम्पल भी हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है? सेकेंडरी एक्टिविटी डील विद प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी गुड्स इनटू फिनिश गुड्स। सेकेंडरी एक्टिविटी डील करती है प्राइमरी गुड्स को एक प्रकार के रॉ मटेरियल के रूप में यूज करके, जैसे कि आयरन ओर का यूज करके हम विभिन्न प्रकार की मशीन बनाते हैं, शुगर केन का यूज करके हम शुगर बनाते हैं, कॉटन का यूज करके कॉटन टेक्सटाइल बनाते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल हमें सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। टेरिटरी एक्टिविटी, टेरिटरी एक्टिविटी मुख्य रूप से सर्विसेज को प्रभावित करती है। वे सर्विसेज जो किसी व्यक्ति द्वारा दी गई हों या किसी पर्सन द्वारा दी गई हों, ये एक्टिविटी आपकी या फिर ये आपकी सर्विसेज व्यापार, ट्रांसपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, बैंकिंग या इंश्योरेंस से जुड़ी हुई हो सकती है। एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी ऑक्यूपेशन विच रेफर टू कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, फ्रूट्स, वेजिटेबल, रेयरिंग ऑफ एनिमल, फिशिंग एक्सेट्रा। एग्रीकल्चर क्या दिखाता है? एग्रीकल्चर एक प्रकार के प्रोडक्शन को दिखाता है जो आपके जानवरों से जुड़ा हुआ हो, पशु पक्षियों से जुड़ा हुआ हो, इसके अलावा ये फसल से जुड़ा हुआ हो, फूल पौधों से जुड़ा हुआ हो, सब्जियों से जुड़ा हुआ हो। इट हेल्प अस टू फुलफिल अवर बेसिक नीड्स लाइक फूड्स। ये हमारी बेसिक जरूरतों को पूरा करता है, शेल्टर, क्लॉथिंग वगैरह को कंप्लीट करता है। इट इज प्रैक्टिस्ड बाय डिफरेंट पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ये पूरे विश्व में अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है। लगभग 50% दुनिया के लोग कल्टीवेशन को या फिर एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर को निभाते हैं। भारत में लगभग 65% लोग इससे जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं एग्रीकल्चर के फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स के बारे में। फिजिकल फैक्टर्स वे फैक्टर्स हैं जो या फिर जिनमें लोग यूज करते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर्स वगैरह या फिर सीड्स वगैरह जो वे यूज करते हैं अपनी खेती में। इसके अलावा वे टूल्स या इक्विपमेंट्स हो सकते हैं जो वे यूज करते हैं, फर्टिलाइजर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं। ह्यूमन फैक्टर्स में ह्यूमन द्वारा बनाई गई चीज़ें आती हैं। एनी प्रॉब्लम, ये सब आपके इसके अंतर्गत आते हैं। एग्रीकल्चर के विभिन्न प्रकार हैं, एग्रीकल्चर वेंटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर के नाम से भी जाना जाता है या फिर ये इसकी शाखाओं के रूप में आपके सामने है। वेंटिकल्चर ग्रेप्स की फार्मिंग को हम या ग्रेप्स की
कल्टीवेशन को हम वेंटिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर एक स्पेशल सिफाइड कल्टीवेशन है जो फ्रूट्स और वेजिटेबल की है। इसके अलावा सेरिकल्चर एक प्रकार की खास कल्टीवेशन है जो सिल्क वर्म द्वारा की जाती है रेशम उगाने के लिए। इसके अलावा पीसीकल्चर मछली पालन को कहते हैं जिसमें फिश की विभिन्न वैरायटियों को पौंड या लेक में बढ़ाया जाता है या उनकी जनसंख्या को बढ़ाया जाता है। सब्सटेंस फार्मिंग एग्रीकल्चर के प्रकार होने के बाद आइए जानते हैं कि एग्रीकल्चर कितने प्रकार का हो सकता है या किस किस तरीके से हो सकता है। एग्रीकल्चर करने के दो प्रकार हैं, सब्सटेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। सबसे पहले हम समझते हैं सब्सटेंस फार्मिंग के बारे में। सब्सटेंस टाइप ऑफ फार्मिंग क्या है? इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन मेनली फ्रॉम द कंजप्शन बाय द फार्मर हिमसेल्फ। इसमें जो भी पैदावार या प्रोडक्शन होता है वह लोग अपने यूज के लिए प्रोडक्शन हिमसेल्फ, तो इसमें जो प्रोडक्शन होता है लोग अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए यूज में लाते हैं और उसके द्वारा कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत ये विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि प्रिमिटिव सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। प्रिमिटिव सब्सटेंस पुराने समय के सब्सटेंस फार्मिंग है जिसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग को रखा गया है। आइए जानते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग क्या है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत ही पुराने प्रकार का एग्रीकल्चर का प्रकार है। बाय द ट्राइबल पीपल लिविंग इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया कंट्री। ये खासकर अलग अलग देशों में किया जाता है, अमेरिका में, अफ्रीका में और साउथ ईस्ट एशिया में। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर पीपल क्लियर द फॉरेस्ट बाय कटिंग एंड बर्निंग ट्रीज बिफोर कल्टीवेशन टिंग द लैंड। इसको करने से पहले लोग क्या करते हैं, लोग पहले उस एरिए को साफ करते हैं जिस एरिए में कल्टीवेशन करना चाहते हैं। मान लीजिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हम पर्टिकुलर एरिया साफ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जितनी भी वेजिटेशन हैं उसे हम साफ करके उसी को वहीं पर जला देते हैं या फिर उसे वहीं पर बर्न कर देते हैं। यही कारण है कि जो ये कल्टीवेशन है ये बर्न और स्लैश मेथड है, एनी प्रॉब्लम? बर्न और स्लैश मेथड के अंतर्गत इसे वहीं पर जला दिया जाता है। कल्टीवेशन और बुश एंड फॉलो लैंड इसके बाद क्या करते हैं, उस भूमि पर पैदावार की जाती है, प्रोडक्शन किया जाता है और एक समय के बाद उस प्रोडक्शन को यूज करने के बाद हम उस क्षेत्र को खाली छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। द आस प्रोवाइड मेन्योर टू क्रॉप्स। आस मुख्य रूप से आपकी क्रॉप के बारे में दिखाती हैं। माइज एंड क्रॉप्स लाइक यम्स एंड कसावा आर ग्रोन। यहाँ पर मुख्य रूप से माइज और कसावा नामक पेड़ों को बोया जाता है। आफ्टर वन टू ईयर्स वंस द सोयल लूज फर्टिलिटी दे शिफ्ट द अनदर पीस ऑफ लैंड। ऐसी स्थिति में जब वह अपनी फर्टिलिटी पावर खोने लगती है तो वे लोग या फिर प्रोडक्शन करने वाले वे फार्मर्स उस स्थान से हटकर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसी कारण इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इंडिया में इसे झूमिंग कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है, इंडोनेशिया में इसे लडंग के नाम से जाना जाता है, इंडिया में झूमिंग, इंडोनेशिया में लडांग और इसके अलावा मैक्सिमो में इसे मिल्पा एंड ब्राजील में इसे रोका और वियतनाम में इसे रे के नाम से जाना जाता है। नोमैडिक हर्डर्स। नोमैडिक हर्डर्स कौन होते हैं? नोमैडिक हर्डर्स ऑफ एनिमल्स इज प्रिवेलेंट इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन ऑफ सहारा। ये मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाते हैं, आपके सहारा और सेंट्रल एशिया के क्षेत्रों में। लाइक इंडिया में ये जम्मू कश्मीर
राजस्थान में पाए जाते हैं। पीपल मूव फ्रॉम पैलेस टू पैलेस वेयर एनिमल्स इन सर्च ऑफ पेस्चर एंड वाटर सप्लाई एंड आर नॉन एज नोमड्स। ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं चारे की तलाश में। इसके अलावा इन क्षेत्रों में जानवरों को चराने वालों को नोमड्स कहा जाता है। सीजनल माइग्रेशन ऑफ प्यूपिल विद द एनिमल इज कॉल्ड ट्रांसमेंस। जब ये कार्य एक सीजनल के दौरान हो तब इसे ट्रांसमेंस कहा जाता है। सम कॉमन एनिमल्स रेयर्ड बाय दीज प्यूपिल्स आर शीप गोट कैमल एंड याक। इन लोगों द्वारा चराए जाने वाले जानवरों में शीप गोट कैमल और याक होते हैं। दे आर मेनली रेयर्ड फॉर देयर मिल्क मीट वूल एंड हाइड्स एंड स्किन मेनली फॉर देयर ओन नीड्स। ये मुख्य रूप से पाले जाते हैं उनके दूध के कारण मीट के कारण वूल के कारण और हाइड्स के कारण एंड स्किन मेनली फॉर देयर ओन नीड्स। इसके अलावा उनकी स्किन के कारण। इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर रेफर टू मैक्सिमम यूज ऑफ मैक्सिमम लैंड। इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर रेफर करता है मैक्सिमम यूज को मैक्सिमम लैंड की। और उसी तरीके से एक्सटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर रेफर टू मिनिमम यूज ऑफ मैक्सिमम लैंड। ये मैक्सिमम लैंड के मिनिमम यूज को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह की खेती मुख्य रूप से कुछ खास क्षेत्रों में की जाती है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रेवलेंट इन एरिया डेंस पॉपुलेटेड स्पेशली इन मॉनसून कंट्रीज लाइक इंडिया चाइना बांग्लादेश जापान। ये सब ऐसे देश हैं जहां पर इंटेंसिव प्रकार की एग्रीकल्चर की जाती है। वेयर इट इज ग्रोन अलोंग रिवर वैलीज ड्यू टू द फेवरेबल क्लाइमेटिक फर्टाइल सॉयल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। यहाँ पर बहुत ही अच्छी भूमि देखने को मिलती है। लगातार नदियों के बहने के कारण यहाँ पर अच्छे फसल देखने को मिलती हैं। मोस्टली फूड्स लाइक राइस माइज पल्स ऑयल सीड्स एक्सेट्रा ग्रोन। भोजन की फसलों में यहाँ पर चावल बाजरा दालें और ऑयल सीड्स बोए जाते हैं। कमर्शियल फार्मिंग इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर सेल। कमर्शियल फार्मिंग के अंतर्गत जो फसलें बोई जाती हैं वो व्यापार के लिए भी बोई जाती हैं। इट इज प्रैक्टिस ऑन लार्ज फील्ड्स एंड मोस्ट ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी आर डन बाय मशीन्स। ज़्यादातर फार्मिंग एक्टिविटी आपकी मशीन्स द्वारा की जाती हैं। कमर्शियल फार्मिंग कैन बी थ्री टाइप। कमर्शियल फार्मिंग ये तीन प्रकार की होती हैं। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग मिक्स फार्मिंग और प्लांटेशन फार्मिंग। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग खासकर अनाज की पैदावार को दिखाती है। इसमें अनाज को प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है जैसे कि वीट और माइज। नॉर्थ अमेरिका यूरोप एशिया इस तरह के एरिए हैं जहाँ पर इस तरह की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा की जाती है। हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स एंड मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन। यहाँ पर हजारों हेक्टेयर की भूमि पर मशीनों द्वारा कार्य किया जाता है और सीजन में एक से ज़्यादा फसल उगाई जाती है। ड्यू टू द सेवरल विंटर ओनली वन क्रॉप इज ग्रोन। कुछ खास सर्दियों में यहाँ पर सिर्फ एक ही फसल बोई जाती है। इन मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग के अंतर्गत हम कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप देखते हैं, रेयरिंग ऑफ एनिमल देखते हैं एक सेम फील्ड पर। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन कंट्रीज ऑफ यूरोप। ऐसी फार्मिंग यूरोप में ईस्टर्न यूएसए में अर्जेंटीना में साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड में और साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। इसके अलावा प्लांटेशन फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग है जिसमें लार्ज स्केल में एक सिंगल क्रॉप को बोया जाता है। ये फार्मिंग आपकी खासकर एक खास प्रेजेंटेशन को दिखाती है, एक प्लांटेशन को दिखाती है। ये बनाना की हो सकती है, टी की हो सकती है, कॉफ़ी की हो सकती है, रबर की हो सकती है। मलेशिया में रबर, ब्राज़ील इंडिया और श्रीलंका में अलग अलग तरह की
फसलों की प्लांटेशन की जाती है। मेजर क्रॉप्स, मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? वी ग्रो ए लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स टू मीट द ग्रोइंग नीड ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के हिसाब से हम देखते हैं, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से हम अलग अलग तरह की फसलें को बोते हैं। सम्स ऑफ देम आर, जिनमें से कुछ हैं भोजन वाली फसलें जैसे कि राइस, वीट, माइज एंड मिल्ट। बेवरेज क्रॉप जैसे कि टी और कॉफ़ी। फाइबर क्रॉप्स जिनसे हम रेशे प्राप्त करते हैं, कॉटन एंड जूट। इंडस्ट्रियल क्रॉप रबर, तंबाकू, शुगर केन और कॉटन। आइए जानते हैं राइस के बारे में। राइस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में राइस एक मुख्य फसल है। इट इज खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्ड ए हाई टेम्परेचर ऑफ अबाउट 26 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लगभग 26 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में होती हैं। रेनफॉल ऑफ मोर देन 100 सेंटीमीटर। इसे 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है। इट ग्रोज बिकॉज बेस्ट ऑफ एलिवेल सोयल विद ए टॉप क्ले लेयर दैट अलाउस स्टैंडिंग वाटर। यह ऐसी जलोढ़ मिट्टी में उगती है जिसमें हमेशा पानी खड़ा रह सके, या फिर ये कहा जा सकता है कि नमी युक्त क्षेत्र में ये हो सकती है। चाइना फॉलो बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट, ये कुछ देश हैं जो राइस के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। वीट गेहूं, गेहूं दूसरी महत्वपूर्ण फसल है जो अनाज के रूप में होती है। इसके लिए टेम्परेचर की जरूरत होती है 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत इसे पड़ती है। इसके अलावा इसके लिए मिट्टी लूमी सोयल हो तो ज़्यादा अच्छी रहती है। वीट एक्सटेंडली ग्रोन इन टेम्परेचर ग्रासलैंड, सबसे ज़्यादा अच्छा गेहूं टेम्परेट ग्रासलैंड यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इन इंडिया इट इज ए रबी क्रॉप ग्रोन इन विंटर। इंडिया में एक रबी की क्रॉप है जो विंटर में बोई जाती है। मिलेट, द मिलेट आर नॉन एज क्रॉस ग्रेन एज दे कैन बी ग्रोन इन द एरिया ऑफ लेस फर्टाइल। यह मिलेट एक ऐसी फसल है जिसे क्रॉस ग्रेन भी कहते हैं या मोटा अनाज भी कहते हैं। ये खासकर कम उपजाऊ क्षेत्रों में या कम उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में उगता है जहाँ पर लो रेनफॉल होता है। दे ग्रो इन एरिया ऑफ हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर। ये उन क्षेत्रों में उग सकता है जहाँ पर टेम्परेचर हाई से मॉडरेट होता है। इसके अलावा यहाँ पर तीन एग्जाम्पल हैं इसके, मिलेट के या मोटे अनाज के, जिन्हें हम रागी, बाजरा और ज्वार के नाम से जानते हैं। ये क्षेत्र इंडिया, नाइजीरिया और चाइना में उगते हैं। माइज या फिर कॉर्न, जिसे हम अपना मक्का भी कहते हैं। माइज इज नॉन एज कॉर्न विच इज बोथ फीड एंड फूड क्रॉप एज वेल। कहा जाता है कि माइज फीड और फूड क्रॉप दोनों के अंतर्गत आता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके से घास और अनाज दोनों के रूप में यूज किया जाता है। इसके लिए भी मॉडरेट टेम्परेचर और रेनफॉल की जरूरत होती है। इट ग्रो बेस्ट इन वेल ड्राइड फर्टाइल सॉयल। ये अच्छी सूखी उपजाऊ मिट्टी में होता है। मेजर माइज प्रोडक्शन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा एंड इंडिया। मुख्य रूप से मक्का को बोने वाली फसलें नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा और इंडिया हैं। कॉटन, कॉटन अपने आप में ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाने वाली फाइबर क्रॉप है। इसे रिक्वायर्ड होता है हाई टेम्परेचर, रेनफॉल 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज और सनशाइन के अंतर्गत ये उग जाती हैं। ब्लैक और एलुवियल मिट्टी दोनों में इसकी पैदावार काफ़ी अच्छी होती है। द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील एंड इजिप्ट।
मुख्य प्रोड्यूसर इसके चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील और इजिप्ट हैं। इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल फ्रॉम द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल के रूप में यूज की जाती है या फिर भेजी जाती है। जूट, जिसे हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, इसके कलर के कारण इंडिया में ये सबसे ज़्यादा होती है। वेल्वर फॉर्जन एक्सचेंज बाय द एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स। जूट की ये गुड्स विभिन्न फॉरेन कंट्रियों में भेजी जाती है भारत से। इट रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर, इसे हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, हाई रेनफॉल की ज़रूरत होती है। एलवियल सोयल में ये उगाई जाती है। इट इज़ ए क्रॉप ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन, ये ट्रॉपिकल क्षेत्र में पाई जाने वाली फसल है। द टू लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड इज इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश दो मुख्य प्रोड्यूसर हैं जूट के। कॉफ़ी एक बेवरेज क्रॉप है, एज वेल एज प्लांटेशन क्रॉप ग्रोन इन वार्म एंड वेट क्लाइमेट। यह गर्म और वेट क्लाइमेट में उगती हैं। इसके अलावा इट कल्टिवेट इन कॉन्फ्रेंस टू हिली स्लोप, यह हिली स्लोपी एरिया में उगाई जाती है। द मेजर क्रॉप प्रोड्यूसर कंट्री इन द वर्ल्ड आर ब्राजील, कोलंबिया एंड इंडिया। भारत की मुख्य प्रोड्यूसिंग कंट्री जो कॉफ़ी को प्रोड्यूस करती हैं ब्राजील, कोलंबिया और इंडिया हैं। टी, टी इज ए ब्रेवरेज एंड वेल एज प्लांटेशन क्रॉप। टी एक ब्रेवरेज और प्लांटेशन क्रॉप है। इट रिक्वायर ए कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ये कूल क्लाइमेट में उगती है और हाई रेनफॉल रखती है पूरे साल, तब जाके इसका प्रोडक्शन होता है। हाई स्लोपी एरियों में चाय का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। इट इज ए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री एज लीव हैव टू बी पिक्ड बाय हैंड। ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, यहाँ पर लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हर एक पत्ती को हाथों से चुनना होता है। द वर्ल्ड मेजर टी प्रोड्यूसिंग कंट्री आर केनिया, इंडिया, चाइना एंड श्रीलंका। मुख्य प्रोड्यूसिंग कंट्री केनिया, इंडिया, चाइना और श्रीलंका है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर टू द कॉन्सर्टेड एफर्ट टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन टू मीट द नीड ऑफ द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर करता है उन चीज़ों को, उन एफर्टों को जो गवर्नमेंट द्वारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए किए जा रहे हैं जनसंख्या बढ़ती हुई देखते हुए। सेवरल प्रोग्राम्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू इंक्रीज द नीट सो एरिया। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो चलाए जा रहे हैं उन एरियों में जहाँ पर कम चीज़ें बोई जाती हैं। द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्राउन, कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फसलें बोई जाएं। प्रोविजन ऑफ इरीगेशन, की सिंचाई के अच्छे संसाधन यूज किए जाएं। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड हाई आइडिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, साथ ही हाई याइडिंग वेराइटी के सीड्स के प्रोडक्शन को और के बारे में बताया जा रहा है। केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने के बारे में बताया जा रहा है। इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनाइज्ड एग्रीकल्चर इज अनदर मेजर स्टेप टुवर्ड इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। साथ ही साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के मशीनी इंस्ट्रूमेंट को यूज करने की सलाह दी जा रही है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी टू द पीपल। कुल मिलाकर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एम करता है लोगों की फूड सिक्योरिटी को, कि लोगों पर फूड प्रोवाइड हो, हर व्यक्ति को जितनी उसकी ज़रूरत है उसके आधार पर फूड प्रोवाइड हो। ओके क्लास, आपको इसके सभी बुकवर्क, कंप्लीट बुकवर्क फाइंड आउट करके लाना है।